नमस्ते, मैं आर्किटेक्ट मुकुंद गोड़बोले और मेरे पार्टनर श्री जितेंद्र मुकादम, जो कि हम गोड़बोले मुकादम एंड एसोसिएट के पार्टनर्स हैं। और आज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पुनर्विकास होता है, ये पुनर्विकास के बारे में एक नॉलेज सीरीज शुरुआत कर रहे हैं। तो ये नॉलेज सीरीज के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। कभी भी हम रीडेवलपमेंट शुरू करते हैं तो डॉक्यूमेंट बहुत अहम चीज़ है। मैं देशी भाषा में बोलूँगा कि ये अपने कुंडली है, तो हमको ये समझना होगा कि अपने कुंडली में कौन से ग्रह की अच्छी दिशा है, या हमारे कुंडली में कोई राहु केतु या शनि और मंगल तो नहीं बैठे हैं। इसका सीधा मतलब ऐसे है कि जब भी हम कोई रीडेवलपमेंट शुरू करते हैं तो हमको सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। यदि ये स्टडी असफल रहा तो आगे चल के हमको ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ अड़चने और तकलीफें आ सकती है। तो अभी जब भी आप कोई भी सोसाइटी का अंडर MCX एक्ट, जो 79A के अंडर पुनर्विकास का निर्णय लेते हो, उसके बाद आर्किटेक्ट PMC की आप नियुक्ति करते हो, तो आर्किटेक्ट PMC का सबसे पहला काम यही डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे अपने प्रोजेक्ट का एक स्टेटस रिपोर्ट कि आज के तारीख में आपके प्लॉट के प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में ये क्या स्थिति है। अभी ये चेक करते समय अपने को सबसे पहले चेक करना है कि जो कन्वेयंस डीड, दैट इज़ दी ओनरशिप डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी आपकी बिल्डिंग 30, 40, 50 बरस पहले जब भी पूरी हुई थी, तभी वो समय का जो ओनर था या वो समय का जो विकासक था, डेवलपर था, उसने इमारत पूरी होने के बाद यदि आपको कन्वेयंस दिया है या नहीं दिया है, ये अपने को पहले चेक करना है। यदि आपको कन्वेयंस दिया है तो मैं पहले बोलता हूँ कि आपकी फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो चुकी है। यदि ये कन्वेयंस डीड आपके पास नहीं है तो राज्य सरकार ये डीम कन्वेयंस करने के लिए अपने को बहुत सहयोग कर रही है आजकल। पहले बहुत 15-20 डॉक्यूमेंट लगते थे, मगर आज डीम कन्वेयंस के लिए 6-7 डॉक्यूमेंट ये काफ़ी है। और डेवलपर समझो आपको कोऑपरेशन भी ना करे तो भी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये हमको ये कन्वेंस देने में बहुत मदद करते हैं, और उसके बाद में अपने सोसाइटी का नाम एज अ ओनर ये प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाने को मदद होती है। तो सबसे पहले आपने को चेक करना है कि कन्वेंस सोसाइटी के नाम पे है या नहीं है। ये यदि सोसाइटी के नाम पे नहीं है तो हमको आगे चलने से पहले ये डीम कन्वेंस की प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत करनी है। उसके बाद में आता है मेन प्रॉपर्टी कार्ड। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अपने कन्वेंस होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का नाम नहीं है, वो पहले के ओनर का नाम है। तो अपने को भले थोड़ा खर्चा होवे, मगर प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का मालिकाना हक ये वहाँ जताना है। वी नीड टू प्रूव इट दैट वी आर ओनर ऑफ आवर प्रॉपर्टी, और वो काम सबसे पहले अपने को शुरुआत करना है। अभी प्रॉपर्टी कार्ड में अपने को चेक करना है कि जो कन्वेंस में एरिया जो हमारे नाम कर दिया है पहले के ओनर ने या डेवलपर ने, उतना ही एरिया प्रॉपर्टी कार्ड पे ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है, कुछ गड़बड़ होती है, जैसे कि इंडेक्स 2 होता है। इंडेक्स 2 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है, कितना एरिया है, कितना कीमत के अगेंस्ट वो ट्रांजैक्शन हुआ है, बराबर है, कौन से दिन वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है। तो उसमें अपने प्लॉट का एरिया कन्वेयंस के डॉक्यूमेंट के एरिया से मैच होता है कि नहीं, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी कार्ड होने के बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है चूँकि अपना सिटी सर्वे स्केच बोले तो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में सिटी सर्वे डिपार्टमेंट होता है, जिसमें बरसों पुराना ब्रिटिशों के ज़माने से हर एक प्लॉट के डॉक्यूमेंटेशन वहाँ रेडी है। जहाँ अपने को प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है वही डिपार्टमेंट में अपने को सिटी सर्वे स्केच मिलता है। सिटी सर्वे स्केच क्या होता है? सिटी सर्वे स्केच बोले तो गवर्नमेंट ने आपके प्लॉट का सर्वे किया होता है, और आपके प्लॉट के जो भी 4 कोने हैं, 6 कोने, जो भी साइज़ है, वो साइज़ टू दी स्केल ड्राफ्ट किया होता है,
और उसका एक नक्शा ट्रू स्केल आपको दिया जाता है, जिसके ऊपर सिटी सर्वे डिपार्टमेंट का स्टैम्प और सिग्नेचर होती है। यदि आप स्कैन करोगे और मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिटी सर्वे स्केच में आपके प्लॉट का कितना एरिया भरता है। माने ये दूसरी चीज़ होगी क्रॉस चेकिंग की, कि पीआर कार्ड में आपका एरिया प्लॉट का कितना लिखा है, उसके हिसाब से सिटी सर्वे में कितना एरिया वो प्लॉट का अपना भर जाता है। तो वी नीड टू कंपेयर इट। यदि समझो उसमें कोई गड़बड़ है तो वी नीड टू करेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स। साथ साथ में समझो ये मैच नहीं होता है, हमको एक्चुअल फिजिकल सर्वे भी करना चाहिए। तो ये जो टोटल स्टेशन आधुनिक मशीन होते हैं उसे यह सर्वे होता है, और ये सर्वे होने के बाद हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आज के तारीख में अपना प्लॉट अपने पोजीशन में कितना है। यदि प्रॉपर्टी कार्ड से कम है तो हमको हद्दकायम नकाशा करके वी नीड टू गेट दैट एरिया जो अपने पास कम है वो करेक्ट करना चाहिए। यदि अपने पास ज़्यादा है तो हमको चेक करना चाहिए किसी दूसरे प्लॉट का, आजू बाजू के प्लॉट का कोई एरिया अपने में आ गया है क्या। नियम ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी कार्ड पे एरिया लिखा है, सिटी सर्वे में जितना एरिया भरता है, और एक्चुअली आपके पास ये जो जितना एरिया है उसका जो कम से कम एरिया है वो हमको पकड़ के आगे का पूरा कैलकुलेशन हमको करना है। क्योंकि आजकल ये बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में ये जो नक्शे है ये सॉफ्टवेयर में जाते हैं, मीन्स आपका जो सिटी सर्वे स्केच है वो स्कैन करके हमको पीडीएफ में अपलोड करना पड़ता है, जिसके वजह से कोई भी धांधली हो नहीं सकती, किसी को भी इसमें ये गड़बड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, ना कोई चांस है। इसीलिए ये डिस्क्रिपेंसी आएगी तो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट में जाके हम ये प्लॉट एरिया का करेक्शन कर सकते हैं। कुछ हद तक हम इसमें सफल भी होते हैं, मगर बहुत सारे केसेस में जो पुराने पुराने गड़बड़ी हो चुकी है वो आज के तारीख में सब गड़बड़ी करेक्ट होगी नहीं होगी अपने को मालूम नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आपकी इमारत बंधी थी 30-40-50 बरस पहले, तभी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके सामने का रोड जो है वो चौड़ा हो गया होगा, इससे आपके प्लॉट का 5 फुट या 10 फुट कोई रोड वाइंडिंग में हैंडओवर किया होगा। बहुत बार ये देखा गया है कि सरकार अधिसूचना निकाल के रोड वाइंडिंग का एरिया उनके ताबे में लेती है, एक्विजिशन करती है, जिससे रोड बड़ा होता है, मगर हमको कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं देती। कभी सरकार डॉक्यूमेंटेशन देती है तो हमारे पुराने सोसाइटी के जो कमिटी के लोग हैं वो कुछ कम पड़ते हैं, और आज के तारीख में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट रहता नहीं है। मगर हम सिटी सर्वे का प्लान और जो एक्चुअल अपने पोजीशन का प्लान है उसमें एग्जैक्टली चेक करके समझो कुछ कमी है तो वो शायद रोड वाइडनिंग हैंडिंग ओवर में वो कम हुई होगी, इसका भी अपने को पता लगाना है। क्योंकि ये जभी ये रोड वाइडनिंग हुआ है और हमने सरकार को सार्वजनिक एमिनिटी या रोड वाइडनिंग के लिए कोई भी ज़मीन दी है तो उसका आज हमको TDR मिलता है, DR मिलता है, मीन्स अपने को फ़ायदा ही होता है। तो ये कितना रोड वाइडनिंग में एरिया हैंडओवर हुआ है इसका अपने को जायज़ा लेना है, उसकी इंक्वायरी करनी है। इसके बाद जो 30-40-50 वर्ष पहले अपनी बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी उसके जो अप्रूव्ड प्लान्स है वो अपने पास होने चाहिए। जैसे कि मुंबई में आज आपके एग्जिस्टिंग जो अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया है उसके ऊपर आपको फंजिबल एरिया मिलता है 35%, मगर आपके पास पुराना अप्रूव्ड प्लान नहीं है तो ये 35% एरिया सर्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। इसीलिए मैं सबसे एक निवेदन करूँगा कि ये रीडेवलपमेंट शुरू करते समय सबसे पहले अपने पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अप्रूव्ड प्लान अपने पास होनी चाहिए। जब भी अपने पास ये अप्रूव्ड प्लान है देन वी कैन वर्क इट आउट द बिल्टअप एरिया ऑफ नॉट ओनली द एंटायर बिल्डिंग बट एवरी फ्लैट। क्योंकि हमको ये फंजिबल का जो बेनिफिट है मीन्स अपना जो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है उसके ऊपर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने को 35% फंजिबल एरिया मुफ्त देती है, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बेनिफिट अपने को मिलाने के लिए हर एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया
कैलकुलेशन अपने को देना पड़ता है, और यदि हम ये देने में सक्षम नहीं होंगे तो शायद वो फंजिबल एरिया सर्टिफाई नहीं होगा और जिससे अपने प्रोजेक्ट को जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस ये ना हो इसके लिए अपने को ये अपने अप्रूव्ड प्लान ढूंढ के निकालना बहुत ज़रूरी है। समझो ढूंढ के भी ये प्लान नहीं मिलते तो जो भी आपका वार्ड का बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि मुंबई सिटी में वडाला में बीएमसी है, दूसरे बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट बांद्रा में है, दूसरा कांदिवली में है, तीसरा जो विक्रोली में है, तो ये सब बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट में आप आरटीआई एप्लीकेशन डाल के अप्रूव्ड प्लान और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये हम निकलवा सकते हैं। यदि आपकी फ़ाइल वहाँ मिल जाती है तो आप पूरी फाइल का भी जेरोक्स निकालने का निवेदन दे सकते हैं और इस निवेदन से आपको आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। अभी मुंबई के बाहर में अभी नए लेटेस्ट यूनिफाइड डेवलपमेंट प्रमोशन रेगुलेशंस आ गए, जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस आ गए, उसमें भी ये जो भी इमारत 30 बरस पूरी है, जो इमारत 30 बरस की उम्र की हो चुकी है, उनको एडिशनल इंसेंटिव रीडेवलपमेंट में मिलते हैं। तो ये 30 बरस की उम्र हुई है ये दिखाने के लिए भी अपने को अप्रूव्ड प्लान, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये होना ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे डॉक्यूमेंट देके हमको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अप्रूव्ड प्लान और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। इस डेवलपमेंट प्लान रिमार्क, अभी हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। डेवलपमेंट प्लान क्या है? तो वो सिटी का, वो शहर का आगे के 30 बरस का जो डेवलपमेंट होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक प्लान बनाया होता है, जिसमें सामाजिक ज़रूरतों की जो भी ज़रूरत होती है, जैसे कि गार्डन है, प्लेग्राउंड है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, बाद में पुलिस स्टेशन है, ऐसे बहुत सारी रिजर्वेशंस ली जाती है। तो ये रिजर्वेशंस हमको चेक करना है कि गलती से अपने प्लॉट पे तो नहीं पड़ी है। तो ये अपने प्लॉट पे पड़ी है तो अपने को हमारे प्लॉट का, इमारत का जो रीडेवलपमेंट करना है, ये पुनर्विकास में ये रीडेवलपमेंट ये रोड़ा बन सकता है, क्योंकि हम इजीली हमारी इमारत रीडेवलप नहीं कर सकते यदि अपने प्लॉट पे कोई रिजर्वेशन पड़ा है। तो ये रिजर्वेशन जो रिमार्क है वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में बीएमसी के या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलग अलग वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन रेडी है, या आप कोई भी कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाके बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट या हेड ऑफिस या वार्ड आप खरीदी कर सकते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो यू कैन चेक इट अप कि आपके प्लॉट पे रेसिडेंशियल जोन है। यदि रेसिडेंशियल जोन है तो आपको ये रीडेवलपमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि कोई रिजर्वेशन है तो हमको वो कौन सा रिजर्वेशन है, वो रीडेवलप करने के लिए एकोमोडेशन रिजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या नियम है, यदि हम वो रिजर्वेशन, जो भी पार्ट रिजर्वेशन है, पूरे प्लॉट में नहीं है, तो समझो पार्ट रिजर्वेशन हम हैंडओवर करते हैं, तो उसके मुकाबले हमको क्या बेनिफिट कॉरपोरेशन देती है, हमको क्या TDR मिलता है, उसका भी हमको अभ्यास करके वो हमारे आगे चल के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसका स्टडी करके देन वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दोज डिटेल्स इन अवर प्रोजेक्ट कैलकुलेशन। यदि हम ये इग्नोर करते हैं तो कल जाके ये तकलीफ आएगी कि सबसे पहले आपके प्लॉट पे रिजर्वेशन है मगर आपने देखा नहीं और आपने एक अलग प्रपोजल बना दिया। तो हमको बहुत ध्यान से ये सब चीज़ जो है वो देखनी ज़रूरी है। डीपी रिमार्क के बाद आता है रोड रिमार्क, कि आपके रोड के आपका जो प्लॉट है उसके सामने जो रोड है जिससे हम प्लॉट को एक्सेस प्राप्त करते हो, वो रोड की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि आज के नए नियम से जो DCPR 2034 मुंबई में है और यूनिफाइड जो भी कॉमन DCPR है, जो मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के सब महानगर पालिका या नगर पालिका में अभी नियम जो बन चुके हैं, इसमें आपको जो परमिसिबल FSI है, सो बेस FSI के अलावा जो आपको TDR मिलता है या प्रीमियम FSI मिलता है, ये प्रीमियम FSI TDR का गणित आपके प्लॉट के सामने के रोड के चौड़ाई पे, मींस विड्थ ऑफ एक्सेस,
उसके ऊपर निर्भर है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी विड्थ ऑफ योर एक्सेस रोड। तो हमको वो रोड की चौड़ाई डीपी प्लान में और रोड रिमार्क में कितनी है वो चेक करनी है। उससे क्या हो जाता है कि वो रोड के हिसाब से अपने को जो TDR मिलने वाला है, प्रीमियम FSI मिलने वाला है, उसकी जानकारी अपने को पूरी की पूरी समझ जाती है। उसमें ये भी लिखा होता है, समझो आगे चल के तुम्हारा रोड ये 15 मीटर का होने वाला है, तो आज कितना रोड है वो तो आप एक्चुअल फिजिकल सर्वे में भी मेजर कर सकते हो, या DP जो रोड है तो उसमें भी वो लिखा होता है कि आज आपके रोड की चौड़ाई कितनी है। तो कितना रोड हैंडओवर आपको करना पड़ने वाला है, मींस 12 मीटर से समझो 15 मीटर है, तो 3 मीटर रोड की चौड़ाई बढ़ने वाली है। तो शायद 3 मीटर में 1.5 मीटर आपके प्लॉट से और 1.5 मीटर रस्ते के वो साइड के प्लॉट से ये रोड वाइडनिंग जा सकता है। मगर कभी कभी ये भी गड़बड़ हो सकती है कि पूरा का पूरा 3 मीटर आपके प्लॉट में से जा सकता है, क्योंकि आगे के रस्ते के वो साइड में रोड हैंडओवर करने में कोई तकलीफ हो सकती है। इसीलिए रोड रिमार्क में हमको ये चेक करना है कि एक्चुअल उसकी विड्थ कितनी है, आगे चल के रोड की विड्थ क्या होगी, और रोड वाइडनिंग में हमारे से प्लॉट में से कितना एरिया हमको कॉरपोरेशन को हैंडओवर करना है। क्योंकि ये जो रोड में एरिया जाएगा ये अपने प्लॉट में से कम होने वाला है, तो एक्चुअल अपनी जो डिज़ाइन की फ्लोर प्लेट है वो छोटी होने वाली है। तो हमको डिज़ाइन शुरू करने से पहले ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके जो असेसमेंट एक्सट्रैक्ट है, रिकॉर्ड्स है, जो टैक्स रिकॉर्ड है, वो हमको देखना चाहिए। तो मुझे याद है कि 10 बरस पहले BMC ने, मुंबई महानगर पालिका ने, इसका पूरा सर्वे किया था, क्योंकि वो 500 स्क्वायर फुट के नीचे के फ्लैट को प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करने वाली थी। तभी हर एक सोसाइटी को महानगर पालिका के सर्वे के अनुसार उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजा था कि हर एक फ्लैट का कारपेट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है। मगर अपने को फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट वो भी इम्पॉर्टेंट है, चेक करना है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपकी बिल्डिंग कभी कंप्लीट हुई थी और आपने कभी ऑक्यूपाई की थी। तो जहाँ जहाँ भी वो 30 वर्ष का नियम है कि यू नीड टू प्रूव दैट द एज ऑफ द बिल्डिंग इज 30 ईयर्स, इन दैट केस दिस फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स योर बिल्डिंग इज मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में हमको आपके प्लॉट का, जैसे मैंने बोला कि प्लॉट का सर्वे हो जाएगा, वैसे इंडिविजुअल फ्लैट का भी सर्वे करना है, जिसमें हमको चेक करना है कि इंडिविजुअल फ्लैट जो डेवलपर ने बांधा है वो अप्रूव्ड नक्शे के हिसाब से बांधा है ना। ओके, सो वी नीड टू कंपेयर दैट ऑल्सो, और हर फ्लैट का कारपेट एरिया स्टेटमेंट हमको एक तैयार करना है, और जिसमें जो लेजिटिमेट अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से हर एक का जो फ्लैट का कारपेट एरिया है, वी नीड टू सर्टिफाई दैट, एंड देन वी नीड टू वर्क इट आउट इन टू अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के परमिसिबल बिल्टअप में जब भी एग्जिस्टिंग हम बिल्टअप एरिया या कारपेट एरिया माइनस करेंगे और उनको हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं, ये चीज़ें हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में समझती है। मगर उसका बेसिस ये एग्जिस्टिंग कारपेट है, तो ये सर्वे में और फर्स्ट डेट ऑफ असेसमेंट के कारपेट एरिया स्टेटमेंट में ये चीज़ हमको पता चलती है। उसके बाद समझो माड़ा की बिल्डिंग है, तो माड़ा के बिल्डिंग में ज़मीन का जो है वो लीज डॉक्यूमेंट होता है और बिल्डिंग का कन्वेंस डॉक्यूमेंट होता है, और उसके साथ साथ ये कन्वेंस हुआ है कि नहीं, लीज डीड हुआ है कि नहीं, उसके कन्वेंस की स्टैम्प ड्यूटी भरी है कि नहीं, और या उसका वाटर टैक्स भरा है कि नहीं, या सर्विस चार्ज भरा है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार देखा है कि एक एक छोटे प्लॉट का, समझो कदमवार नगर है, टागोर नगर है, या कोई भी माड़ा लेआउट प्लॉट है, तो एक एक प्लॉट का 30-40 लाख रुपया ये वाटर टैक्स और ये तुम्हारा सर्विस चार्ज का बकाया होता है, इट इज़ पेंडिंग। तो बिफोर प्रॉपर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसके पहले हमको मालूम होनी चाहिए कि ये आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो ये अपने को जो अलग अलग टैक्सेस है, जैसे NA टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, देन माड़ा के जो सर्विस टैक्स है, देन वाटर टैक्स है, इनकी रिसीट्स हमको चेक करनी है, और कोई पेंडिंग गवर्नमेंट के ड्यूज नहीं है ना, वी नीड टू चेक इट अप। एट द सेम टाइम जो भी सोसाइटी के भी ड्यूज है, जैसे कि 25 मेंबर है सोसाइटी में और 3 मेंबर उनके आउटस्टैंडिंग आउटगोइंग्स मंथली मेंटेनेंस देते नहीं है, तो वो भी अपने को वसूल करके
we need to ensure that your accounts are clean, clear, और आपको ऑडिट रिपोर्ट और रिकॉर्ड में अच्छा रिमार्क मिला हो। इसके बाद में जो भी स्पेशल रिमार्क्स हमको लेने पड़ते हैं, जिसका अभी मेट्रो बहुत जगह मुंबई में, थाना में, पूना में, नागपुर में, सब महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन में मेट्रो आ चुकी है, तो मेट्रो को चिपक के कोई आपका प्लॉट नहीं है ना। यदि हो वो है तो अपने को मेट्रो का भी एक NOC लेना पड़ता है, वैसे CRZ का NOC लेना पड़ता है। CRZ मुंबई में जो भी मेन बे है या मेन समुंदर है, कोई नदी है या कोई लेक है, तो वी नीड टू चेक इट अप द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ CRZ, और उसका भी जो CRZ 2 की जो लाइन है, दैट वी नीड टू इंश्योर इट। इन एडिशन टू दैट अपने को सिविल एविएशन, जो भी मुंबई में, पूना में, नांदेड़, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद, ये भी जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, उसमें जो सिविल एविएशन जोन मार्क किए हुए हैं, इसका जो एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन के अंदर आपकी बिल्डिंग आती है, तो आपको परमिसिबल हाइट बिल्डिंग की कितनी है, माने आप कितना बिल्डिंग ऊंचाई पे जा सकते हो, उसमें आपको समझेगा कि आप परमिसिबल बिल्टअप एरिया पूरा का पूरा कंज्यूम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। हम देखेंगे मुंबई में कुर्ला या घाटकोपर या पारला में बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं कि जिसमें परमिसिबल FSI हम कंज्यूम नहीं कर पाते। तो ये सिविल एविएशन में NOC चेक करके परमिसिबल बिल्टअप हाइट चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर चीज़, नेशनल पार्क की भी हम चिपक के बिल्डिंग है, तो देर आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्शंस इन डेवलपमेंट, तो वी नीड टू चेक दैट NOC। दूसरी चीज़, कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी कोई प्रोजेक्ट्स है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, तो उनके भी कोई NOCs लेनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे NOCs हैं, मगर ये मैं बोलता हूँ कि जितनी भी NOCs है, वो अपने को सही समय पे लेनी पड़ती है। मगर जो मैंने अभी आपको अभी जो भी NOCs का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो ब्यौरा दिया है, मैंने जो डिटेल्स दिए हैं, ये डिटेल्स इन इनिशियल स्टेज ऑफ योर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये हमको चेक करने हैं, उसका एक स्टेटस रिपोर्ट बनाना है, उसका अच्छे तरीके से अभ्यास करना है, ग्रे एरियाज क्या है, प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, तो वो समझ के उसमें कोई अनऑथराइज्ड तो नहीं है, कोई झोपड़ियाँ नहीं है, उसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ समझ के, ध्यान दे के, एक स्टेटस रिपोर्ट करके, उसके बाद में ही हमको प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें प्रकल्प अहवाल बोलते हैं, वो करने को आगे जाना है। यदि ये इन्फॉर्मेशन लिए बिना हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें बहुत खामियां, गलतियां रहने के बहुत चांसेस है। मैंने देखा है बहुत सारी सोसाइटीज़ है कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए कोई जो भी मुफ्त में करके दे देगा, जो भी 5-15 हज़ार 10 हज़ार कम से कम खर्चे में करके दे देगा, वो आर्किटेक्ट PMC को काम देते हैं, और बहुत बार जो कम कीमत में काम किया जाता है, शायद उसकी जो क्वालिटी है वो भी वो तरीके ही होती है, तो हमको वो ट्रैप में फंसना नहीं है। और हर एक चीज़ जो अपने प्लॉट के जो डॉक्यूमेंटेशन की है, कुंडली की है या स्टेटस की है, वो जान के हमको आगे जाना है। जितना हम प्रोफेशनली आगे जाएंगे, उतना आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस का गणित और परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल विल डेफिनेटली इंक्रीज। मैं आज का ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। यही सीरीज में आगे का वीडियो, ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रकल्प अहवाल पे आएंगे, तो उसमें हम उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो गोड़बोले मुकादम की तरफ से, मेरे पार्टनर जितेंद्र मुकादम की तरफ से, मैं मुकुंद गोड़बोले आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।